ग्राउंड ऑपरेशन इजरायली सेना के लिए महंगा साबित होने वाला है, ये वो भली भांति जानते हैं। वहीं गाजा में कल की रात का पूरा ग्राउंड ऑपरेशन हमास की सीक्रेट सुरंगों के खिलाफ चलाया गया। रात के अंधेरे में सीक्रेट सुरंगों में ताबड़तोड़ प्रहार किए गए। आधी रात के वक्त सुरंगों के अंदर हमास के आतंकियों में जैसे तहलका मच गया। जिन सुरंगों को हमास आतंकी अपनी ढाल बनाते आ रहे थे, वही सुरंग अब हमास आतंकियों के लिए काल साबित हो रहे हैं। हमास की सुरंगों के खिलाफ इजरायली सेना के हिट एंड रन वाला एक्शन आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। हमास ने खुद की कब्र खोद ली है। इजराइल पर हमले के बाद उनका भविष्य संकट में है। नेतन्याहू ने तय कर लिया है कि हमास का अंत ही अब उनकी जिंदगी का मकसद है। यानी हमास के ठिकानों पर इतना बारूद बरसेगा कि हमास का नामो निशान तक मिट जाएगा। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे इजराइल की सेना हमास के ठिकानों में घुसती है और फिर तबाही मचा देती है। उसकी सुरंगों में ही उसकी कब्र तैयार कर देती है। उसके आशियानों को जमींदोज कर दे रही है। इस वीडियो को इजराइल की सेना ने जारी किया है। वीडियो को गाजा बेत हनोन इलाके का बताया जा रहा है, जहां इजराइल की सेना ने पहले ताबड़तोड़ गोलियों की बरसात करके हमास के लड़ाकों को भगाया, फिर वहां पर बनी हमास की सुरंग को बमों से उड़ा दिया।